बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम आदि गली गौर इन फ्रंट ऑफ यू, वेलकम टू आवर केमिस्ट्री क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे अपनी इस केमिस्ट्री क्लास के अंदर चंद चीजें, चैप्टर नंबर 6 की, मींस कि हमारा केमिकल इंडस्ट्री चैप्टर चल रहा है, उसकी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम HNO3 मींस नाइट्रिक एसिड बनाते हैं बाय यूजिंग ऑसवर्ड्स मेथड, और जो डिस्कस करेंगे कि हैबर्ट्स प्रोसेस हमारे पास किस तरीके से अमोनिया बनाया जाता है उसको डिस्कस करेंगे, और आज एक और चीज डिस्कस करेंगे हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बाय यूजिंग अमोनियम सॉल्वेट प्रोसेस। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहला हमारा टॉपिक जो है वो है ऑसवर्ड्स मेथड, किस तरीके से नाइट्रिक एसिड बनाया जाता है। नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए हमारे पास जो जरूरत होती है हमें वो होती है अमोनिया। हम क्या करते हैं, अमोनिया को लेते हैं। अमोनिया को लेने के बाद हम उसके ऊपर से एक्सिस ऑफ एयर पास कराते हैं, मींस के बहुत सारी हवा उसके ऊपर से हम पास कराते हैं। जब हम हवा उसके ऊपर रिएक्ट कराते हैं या पास कराते हैं अमोनिया के ऊपर से, उसके लिए चंद चीजें जरूरी होती चाहिए। हमें एक कैटलिस्ट चाहिए जिसका नाम होता है प्लैटिनियम। प्लैटिनियम की मौजूदगी के अंदर और टेम्परेचर 600 डिग्री सेंटीग्रेड अगर होगा हमारे पास, और हम हवा जब पास कराएंगे, हॉट एयर जब पास कराएंगे अमोनिया के ऊपर, तो हमारे पास एक खास चीज बनेगी। क्या चीज बनेगी हमारे पास, NO बनेगा। NO क्या होता है हमारे पास, नाइट्रिक का ऑक्साइड, और वाटर बनेगा क्योंकि टेम्परेचर आएगा तो वाटर क्या होगा हमारे पास, वेपर के फॉर्म में निकल जाएगा। पीछे क्या बनेगा मेरे पास, NO। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अमोनिया लेते हैं, उसको प्लैटिनियम और 600 डिग्री सेंटीग्रेड की मौजूदगी के अंदर एयर पास कराते हैं, तो क्या बनता है हमारे पास, नाइट्रेट ऑक्साइड बन जाता है। इस ऑक्साइड का हमारे क्योंकि क्या होता है 600 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, बहुत ज्यादा गर्मी में होता है, टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है, तो क्या होता है हम इसको क्या करें, फिर इसको हम कूल करते हैं। कितना कूल करते हैं, 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम इसको करते हैं, कूल करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, जब इसको कूल करते हैं 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो क्या होता है हमारे पास, NO होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। अब इस नाइट्रिक को दोबारा हम एयर से पास कराते हैं, किस टेम्परेचर पर, 150 डिग्री सेंटीग्रेड की टेम्परेचर के ऊपर। जब इसको मैं ऑक्सीजन या मींस के एयर से पास कर रहा हूं, तो ऑक्सीजन के ऊपर लग गया है, ठीक है, हमारे पास ऑक्सीडेशन होगी, और ऑक्सीजन के हमारे पास जो NO होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड होगा, कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, नाइट्रोजन NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो जाएगा, हमारे पास NO कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अंदर। पहला स्टेप अमोनिया से मैंने नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाया, फिर उसके बाद मैंने नाइट्रोजन ऑक्साइड के अंदर हुआ एयर पास कराई, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गया। अब क्या करूंगा मैं, अब ये करूंगा जो मेरे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना है, इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को मैं वाटर से पास कराऊंगा। कहां से पास कराऊंगा, और मैं इस चैम्बर से, देखो मैंने किया क्या, पहले एक चैम्बर था मेरे पास, एक कंटेनर का एक पार्ट था जहां मैंने क्या करा, अमोनिया डाला, इतने ज्यादा मैंने उसको हीट दी, प्लैटिनियम डाला मैंने, और एयर पास करा, तो मेरे पास क्या बना, NO3। अब ये NO3 मेरे पास बचा, वो उसके अंदर क्या मेरे पास था, NO3 बना। यहां से क्या NO3 पास हुआ एक और चैम्बर के, जिसका नाम क्या है, ऑक्सीडेशन चैम्बर। यहां पे क्या हुआ, ये NO हमारे पास बन जाएगा, ये NO यहां पे क्या हुआ, दोबारा ऑक्सीजन से मिलेगा तो NO2 बन जाएगा। अब जो बना वो अगले चला गया, अगले वाला हमारे का नाम, अगले का नाम है एब्जॉर्प्शन टावर। वहां पे क्या हुआ, हमारे पास जो NO2 बना है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना है, उससे वाटर रिएक्ट करेगा, इस तरीके से करेगा। ये क्या है NO3, NO2 इसके ऊपर से क्या है, वाटर का शॉवर है, जैसे कि पानी के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आएंगे, जब मॉलिक्यूल जाएंगे तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस को कन्वर्ट कर दे किसके अंदर, NO3 के अंदर, HNO3 में, बस क्या बन जाएगा, नाइट्रिक एसिड बनेगा ना, NO2 लिखा हुआ है साथ में, वाटर मिला है, बस क्या बन जाएगा, HNO3 नाइट्रिक एसिड बन जाएगा और NO बन जाएगा। ये NO क्या है, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस की फॉर्म में होगा, क्या हो जाएगा, बाहर एस्केप आउट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, बचा किसे, क्या, नाइट्रिक एसिड HNO3, जो कि अभी क्या है, सिर्फ और सिर्फ 68% प्योर। अगर इसको आप चाहते हैं कि और प्योर हो, तो क्या करते हैं आप, तो इस नाइट्रिक एसिड के ऊपर तो इसको पास कराते हैं फ्रॉम कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से क्या करते हैं, पास कराते हैं, मिलाते नहीं है, सिर्फ पास कराते हैं, और क्या होता है हमारे पास, ये प्योर हो जाते हैं, कितनी, 98% प्योर हो जाते हैं। पहला हमारे पास क्या, एक चैम्बर के अंदर हमने अमोनिया गैस ली, उसके ऊपर बहुत सारी एयर पास कराई, कितने टेम्परेचर पे, 600 टेम्परेचर पे, और प्लैटिनम की वैल्यू पे, तो अमोनिया और नाइट्रिक ऑक्साइड बन गया। फिर ऑक्साइड के साथ मैंने एयर पास कराई 150 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गया। फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मैंने क्या करा, वाटर पास करा, तो मेरे पास नाइट्रिक एसिड बन गया और नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऑक्साइड बन गया, जो कि क्या हो गया हमारे पास, एस्केप आउट हो गया, गैस थी हमारे पास, अभी हमारे पास बना 68% प्योर था। मैंने क्या करा, इसको कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से पास कराया, तो 98% प्योर हो गया।
तो ये तरीका था हमारे पास ऑसवर्ड्स मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ HNO3 मींस नाइट्रिक एसिड। अगला हमने जो पढ़ना है वो है अमोनिया की प्रिपरेशन, कि अमोनिया किस तरीके से बनाया जाता है बाय यूजिंग हैबर्ट्स पजल। हैबर्ट्स में हमारे पास एक पजल है, ठीक है, जिसके जरिए हम जिसके जरिए अमोनिया बनाते हैं। किस तरीके से बनेगी बेसिकली बनाते हैं, देखो हमने यहां पे डिस्कस करा कि HNO बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, वो होता है हमसे नाइट्रोजन, सॉरी अमोनिया चाहिए। अब अमोनिया बनाने के लिए क्या चाहिए, अमोनिया बनाने के लिए दो चीजें चाहिए, प्योर नाइट्रोजन और प्योर हाइड्रोजन। क्या चाहिए होता है, प्योर नाइट्रोजन और प्योर हाइड्रोजन। आप क्या करते हैं, प्योर नाइट्रोजन और प्योर हाइड्रोजन को मिक्स करते हैं आपस में। क्या करते हैं आपस में मिक्स करते हैं, किस रेशियो के मुताबिक, 1:3 के मुताबिक बाय वॉल्यूम। मतलब ये कि अगर आप नाइट्रोजन का 1 cm³ ले रहे हैं तो हाइड्रोजन कितने लेंगे आप, 3 cm³। जितना नाइट्रोजन लेंगे उसका ट्रिपल आप हाइड्रोजन लेंगे। तो 1:3 के मुताबिक आपने क्या लेना है, प्योर नाइट्रोजन हाइड्रोजन लेना है। करना क्या है, इन दोनों को सिंपली आपने मिक्स करना है। मिक्स करने के लिए कुछ हमारे पास फैक्टर्स है, इन फैक्टर्स का होना जरूरी है। क्या फैक्टर्स है भाई, एक खास टेम्परेचर है जिसका होना जरूरी है। क्या टेम्परेचर भाई, 400 से लेके 450 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर होना क्या है, जरूरी है। और प्रेशर कितना होना चाहिए, प्रेशर होना चाहिए 200 to 250 atm। atm क्या है, प्रेशर का यूनिट है। तो 200 से 250 atm प्रेशर, 400 से 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और कुछ कैटलिस्ट होना चाहिए। कैटलिस्ट क्या होगा, हेल्प करते रिएक्शन में, कौन कौन से कैटलिस्ट है, वो फेरिक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड। ये हमारे पास कुछ कैटलिस्ट की मौजूदगी जरूरी है हमारे पास। हम क्या करें, एक कंटेनर के अंदर अगर मैं एक लेटर में पास एक कंटेनर के अंदर मैं क्या कर दूं, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों को अगर मिला दूं, ठीक है, ऐड कर रहा हूं मैं, मेरे पास क्या हुआ, इसके अंदर मौजूद होना चाहिए भाई 400 से 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए, 200 से 250 atm प्रेशर होना चाहिए, और ये कैटलिस्ट होना चाहिए। तो क्या हमारे पास सिंपली क्या बन जाएगा, अमोनिया बन जाएगा। अभी अमोनिया हमारे पास क्या बने, टेम्परेचर कितना ज्यादा हाई है, अमोनिया बना मेरे पास गैस की फॉर्म में। तो आप क्या करते हैं, इस अमोनिया को करते हैं कूल डाउन। किस तरीके से कूल डाउन करते हैं भाई, आप उसको कूलर से गुजारते हैं, ठंडी जगह से गुजारते हैं, क्या होता है वो ऑटोमेटिकली कंडेंस हो जाता है और गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो लिक्विड में कन्वर्ट हमारे पास क्या करते हैं, कूल करते हैं और लिक्विफाई करते हैं और फिर उसको हम एब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं। आसान तरीका, कोई मुश्किल नहीं, प्योर नाइट्रोजन प्योर हाइड्रोजन आपने लेना है बाय रेशो 1:3, ठीक है। फिर आपको उसको मिक्स करना है इन द प्रेजेंस ऑफ Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड के। टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 400 से 450 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर 200 से 250 atm होना चाहिए। तो हमारे पास क्या बनेगा, अमोनिया किससे बनेगा, गैस की फॉर्म में। फिर इसको कूल करेंगे, लिक्विफाई करेंगे और एब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रोसेस वो है सोडियम कार्बोनेट को बनाने का बाय यूजिंग अमोनियम सॉल्वेंट प्रोसेस। इसको हमने देखना है दो तरीके से, पहले हमने देखना है नॉर्मली किस तरीके से काम होता है, फिर हम देखेंगे फ्लो चार्ट के तरीके, ठीक है। बेसिकली होता क्या है, देखो हमने डिस्कस करा था कि भाई ना कुछ ना कुछ चीजें बनना चाहिए होती है बनाने के लिए, कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए तीन चीजें चाहिए होती है। क्या तीन चीजें हमारे पास, सबसे पहला चाहिए अमोनिया, फिर चाहिए हमें NaCl और तीसरी चीज हमें चाहिए होती है वो होती है कैल्शियम कार्बोनेट। ये तीन चीजें जो हमारे पास एज अ रॉ मटेरियल हम यूज करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ NaCl। मतलब है कि मैं NaCl के अंदर वाटर को मिला दूं या मोल्टन NaCl को मैं क्या बोलता हूँ, ब्राइन बोलता हूँ। इसको मिला दो मैं ब्राइन देगा, ब्राइन और NH3 क्या होते हैं इसके अंदर डाले जाते हैं, NH3 और ब्राइन, ब्राइन का मतलब क्या NaCl, ठीक है, H2O और मिला दे। अच्छा इसमें होता क्या बेसिकली, हमारे पास होता कुछ ये हमारे पास, अच्छा यहाँ से कार्बोनेटिंग टावर से कार्बन भी डाली जाती है, क्या डालते हैं हमारे पास, कार्बन भी डाले जाते हैं। होता क्या बेसिकली, यहाँ देखिए होता कुछ इस तरीके से कि मैंने क्या करा, NH3 H2O, देखो यहाँ पे क्या है NaCl H2O और NH3, ठीक है। अब क्या मेरे पास जो NaCl यहाँ पे जो NH3 मौजूद है वो और जो H2O मौजूद है वो, और यहां से जो कार्बोनेटिंग टावर से आई है कार्बन डाइऑक्साइड गैस वो मौजूद है, ये तीनों मिलेंगे,
मिलने से क्या बनेंगे, मेरे पास NH4SCO3 अमोनियम बाइकार्बोनेट, क्या बनाएंगे मेरे पास यहाँ पर अमोनियम बाइकार्बोनेट। अभी ये भी कंप्लीट रिएक्शन नहीं है, यहाँ पे और रिएक्शन हो, क्या हो, ये अमोनियम कार्बन जो बाइकार्बोनेट हमारे पास, ये रिएक्ट होगा यहाँ पर जो NaCl मौजूद है, वे तो शामिल नहीं हुआ, तो क्या हो, ये NH4SCO3 जो हमारे पास है ये रिएक्ट होगा NaCl से। NaCl जब रिएक्ट होगा हमारे पास तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, और क्या होगा हमारे पास NH4Cl, NH4Cl मतलब क्या होता है हमारे पास अमोनियम क्लोराइड, क्या होगा मेरे पास इसका NH4 इसका Cl, NH4Cl होगा इसका Na और HCO3 NaHCO3 बन जाएगा। तो ये दो रिएक्शन हमारे पास एक ही टावर में, अब क्या हो हमारे पास यहां जो मौजूद था NaHCO3, आपने क्या करा इस NaHCO3 को नेक्स्ट स्टेप में हीट कर दिया, क्या कर दिया आपने इसको हीट कर दिया, हीट करने से क्या हुआ मेरे पास, हीट करने से मेरे पास कुछ ही हो गया, ये NaHCO3 बन गया Na2CO3 जो कि मुझे असल में चाहिए, मेरे पास बन के जो मुझे चाहिए मुझे क्या हो गया यहां पर इस स्टेप पर मिल चुका है, लेकिन जो आगे पीछे मेरे पास बहुत सारी चीजें बन चुकी है उनको भी तो कुछ ना कुछ करना है, तो क्या करेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और वाटर बनेगा, वाटर क्या होगा मेरे पास ऑपरेट हो जाएगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी वो मेरे पास काम आएगी, किस जगह काम आएगी आपको आगे बताऊंगा, ठीक। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास क्या हो रहा है, एक और रिएक्शन होता है साथ, ये सारे रिएक्शन क्या होता है हमारे पास, ये जो रिएक्शन है ये साथ ही साथ होता है, CaCO3 को हम क्या करते हैं हीट करते हैं, हीट करने से क्या बनता है मेरे पास CaO बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां जाती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जाती है कहां पर, इस जगह पर, जो क्या करती है ये बनाती है, इसके बनने के बाद हमारे पास ये चीज बनती है, फिर दोबारा ये हमारे पास क्या होती है, ये बनती है दोबारा यहां पे जाती है, तो मीन्स जितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी वो सारी यहां पे कार्बोनेटेड कार्बन क्या होती है जमा होती जाएगी, और क्या होगा भाई, देखो क्या क्या चीजें बन गई, ये चीज बन गई तो चाहिए यहां पर ये चीज रह गई, इसने कोई आगे रिएक्शन नहीं करा, और एक और रिएक्शन हमारे पास होगा जो CaO हमारे पास जो बच गया उसके अंदर वाटर को मिलाऊंगा तो क्या बन जाएगा ये CaOH2, अब यहां पे CaOH2 बना यहां पे NH4Cl बना, ये भी यूज हो चुका है, ये यूज नहीं हुआ और ये यूज नहीं हुआ, तो मैं इन दोनों को क्या करूंगा मिला दूंगा, जब इनको मिलाऊंगा तो क्या बनेगा NH3 बनेगा CaCl2 बनेगा वाटर बनेगा, वाटर क्या हो जाएगा मेरे पास ऑपरेट हो जाएगा, हम निकाल लेंगे उसको, NH3 जो था मेरे पास वो क्या होगा मूव करते हुए दोबारा अमीनोटिक टावर में जाएगा, स्टार्टिंग में दोबारा यहाँ पे क्या हो जाएगा नए Na2CO3 बनाने के लिए हम क्या करेंगे यूज कर लेंगे, और जो CaCl2 था मेरे पास वो क्या हो जाएगा बाहर हम उसको निकाल लेंगे कैल्शियम क्लोराइड के फॉर्म, ये तो रिएक्शन बनेगा। अब देखते थे गौर से यहाँ पे आपको अलग और क्लियर समझ आएगा, किया क्या आपने अमोनेटिक टावर है, कार्बोनेटिक टावर है, अमोनिया रिकवरी टावर है, और तीसरा टावर पास एक और है लाइम क्लिन जिसको बोलते हैं CaCO3, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ ये चार बेसिकली हमारे पास टावर है, 1 2 3 और चार टावर होता क्या बेसिकली, जरा ये देखो सबसे पहला काम होता है कि हमारे पास जो CaCO3 है ये टूटेगा, टूटेगा किस चीज में, एक बनाएगा CaO एक बनाएगा CO2, ये CO2 है वो कहा जाएगी कार्बोनेटिंग टावर में जाएगी, कहा जाएगी फिर वो कार्बोनेटिंग टावर में, और यहाँ पे क्या होगा हमारे पास उसी वक्त जो NH3 हमारे पास यहाँ आ रही है कार्बोनेट टावर के अंदर, और जो ब्राइन है ये मिलेंगे मिलकर अमोनिकल ब्राइन बनाकर इस टावर के अंदर आएंगे, ये जो दो रिएक्शन होंगे वो क्या होंगे इस कार्बोनेटिंग टावर के अंदर होंगे, जब यहाँ पे हमारे रिएक्शन होंगे तो क्या चीज निकल रही है NaHCO3 निकल रहा है और NH4Cl निकल रहा है, देखो रिएक्शन हुआ NaHCO3 निकला NH4Cl, दोबारा बताओ यहाँ से CaO निकला, अभी तक उसकी मैंने कोई बात नहीं करी, मैंने बात करी कार्बन डाइऑक्साइड की, वो क्या कार्बन टावर के अंदर, यहाँ से अमोनिया वाटर और NaCl ये तीनों मिलकर अमोनिकल ब्रांड बनाते हैं, और ये कहाँ गए कार्बन टावर, अब इनका रिएक्शन हुआ, जब रिएक्शन हुआ हमारे पास तो NaHCO3 बन गया, सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया और अमोनिकल क्लोराइड बन गया हमारे पास, अमोनिया क्लोराइड बन गया हमारे पास, दो चीजें बन गई। अब क्या होगा हमने अगले में क्या करना भाई, इसको तोड़ा था, इसको मैंने क्या करा है हीट करा, हीट करने के बाद क्या बन गया सोडियम कार्बोनेट बन गया, तो मुझे चाहिए जो चाहिए मुझे यहाँ पर रिजल्ट चाहिए, असल चीज मेरे पास जाकर बन चुकी है, अब ये जो मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली ये क्या होगी मेरे पास दोबारा इधर से कहा जाएगी कार्बोनेटिंग टावर में पहुंच जाएगी। अच्छा ये बात मेरे पास क्या रह गई, अब मैंने सारी बात नहीं करी, मेरे पास CaO की बात नहीं करी मैंने और NH4Cl की बात नहीं करी, ये CaO है ये अगले स्टेप में क्या होगा वाटर के साथ क्या करेगा रिएक्ट करेगा, जब ये CaO वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा ये CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड,
और यहाँ पे क्या बचा हुआ है NH4Cl, ये दोनों कहाँ आएंगे, ये आएंगे अमोनियम रिकवरी टावर, ये भी आएगा और ये भी आएगा, तो दोनों रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास तीन चीजें बनती है, चाहिए स्टीम भी हो, गर्म जब गर्म हो तो रिएक्शन हो, ठीक है, हमारे पास हमसे दो स्टीम भी देंगे, हो गया हमारे पास तीन चीजें बनेंगी, अमोनिया गैस बनेगी, ठीक है, क्या बनेगी हमारे पास NH3 बनेगा यहाँ पर, यहाँ से हमारे पास NH3 यहाँ से जा रहा है, ठीक है, और CaCl2 बनेगा, और क्या बनेगा हमारे पास, वाटर बनेगा, वाटर हो जाएगा ऑपरेट, पीछे क्या बच जाएगा NH3 और CaCl2 को हम यहाँ से क्या कर लेंगे बाहर निकाल लेंगे, लेकिन जो NH3 बचेगा वो दोबारा क्या होगा, इसके लिए अमोनियम डाइऑक्साइड में यूज होगा, और आगे दोबारा यूज होते हुए क्या हो जाएगा, ये दोबारा हमें NH2CO3 बनाने के लिए हेल्प करेगा। ये था हमारे पास आज का टॉपिक, जिसमें डिस्कस करा हमने ऑक्सफोर्ड्स मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ HNO3 नाइट्रिक एसिड, हेबर्स मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया गैस, ठीक है, अमोनिया का डिस्कस, फिर हमने करा अमोनियम सॉल्युबल प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ NH2CO3, जो हमारे पास क्या है सोडियम कार्बोनेट का बनाने का तरीका है। ये था आज का टॉपिक, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।